और इज़राइल फिलिस्तीन विवाद से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। सऊदी अरब ने गाजा के लोगों से जबरदस्ती विस्थापन की मांग को खारिज कर दिया है और इज़राइल की जमकर आलोचना यहां पर की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने गाजा में इज़राइल के हमले की निंदा की और गाजा पर इज़राइल द्वारा किए जा रहे घोषणा को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता दिया। इज़राइल ने गाजा के लोगों को 24 घंटे में गाजा पट्टी खाली करने का आदेश दिया था और समय खत्म होने के बाद इज़राइल की सेना गाजा में घुसकर ऑपरेशन कर रही है। इज़राइल की सेना ने हमास के एक ठिकाने को तबाह करने का दावा कर दिया। इज़राइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके उस ठिकाने से इज़राइल के टैंकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे उसके सैनिकों ने नाकाम कर दिया। और इज़राइल की सेना ने हमास के उस ठिकाने को बर्बाद करने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक घर में जोरदार विस्फोट होता नजर आया, जिसके बाद चारों तरफ धुआं फैल गया। इतना ही नहीं, इज़राइल ने हमास के उस ठिकाने को तबाह करने के साथ ही हमास के दूसरे ठिकानों को मिट्टी में मिलाने की भी धमकी दे डाली। 7 अक्टूबर को हमास के इज़राइल पर ताबड़तोड़ हमले के बाद इज़राइल ने हमास को मिटा देने की कसम खाई। इसीलिए इज़राइल की सेना ने हमास के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन आरोप लगा कि इज़राइल के इन हमलों में गाजा के आम लोग भी मारे जा रहे हैं। हालांकि इज़राइल की सेना ने दावा किया कि गाजा के लोगों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए उसने इंसानियत के नाते उत्तरी गाजा के लोगों को वहां से निकलने की चेतावनी भी दी, ताकि हमास से जंग में गाजा के मासूम लोगों पर आंच ना आए। इज़राइल की सेना ने साफ किया कि उसकी लड़ाई चरमपंथी संगठन हमास के खूंखार लड़ाकों से है, न कि गाजा के आम लोगों से। गाजा के नागरिक उसके दुश्मन नहीं है। इज़राइल की सेना ने अपने बयान में दो टूक कहा कि वो हमास की तरह क्रूर नहीं है जो बेकसूर लोगों का खून बहाए, इसलिए उसने उत्तरी गाजा के लोगों को इलाका खाली करने को कहा है, ताकि इज़राइल की हमास से जंग में फिलिस्तीन के आम लोगों की बलि न चढ़े, क्योंकि हमास और फिलिस्तीन दोनों में एक फर्क है। फिलिस्तीन के लोग अरब मुस्लिम हैं जो अपने लिए एक आजाद देश चाहते हैं। दुनिया के सामने पीए यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उनका प्रतिनिधित्व करती है, जिसे यूएन भी मान्यता देता है, लेकिन हमास वहां का एक चरमपंथी संगठन है जिसका मकसद इज़राइल को मिट्टी में मिलाना है। और अपने इस मकसद के लिए हमास बेरहमी की किसी भी हद तक जा सकता है। वो इज़राइल पर रॉकेट गिराता है, उसके लड़ाके इज़राइल में घुसकर सरेआम लोगों पर हमले तक करते हैं। हालांकि हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दोनों का मकसद एक ही है, फिलिस्तीन के लोगों के लिए अलग देश बनाना, जिसमें वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलम और गाजा पट्टी जैसे इलाके शामिल होंगे। वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का राज है, बाकी का इलाका इज़राइल के कब्जे में है। वहीं गाजा पर पूरी तरह से हमास का कंट्रोल है। हालांकि मकसद एक होने के बावजूद हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के तरीके बिल्कुल अलग हैं। इसी वजह से दोनों की आपस में बनती भी नहीं। हमास घी टेढ़ी उंगली से निकालने में विश्वास रखता है और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इज़राइल से बात करके इस मसले का हल निकालना चाहती है। वो इज़राइल के साथ सहयोग करती है, लेकिन हमास तो इज़राइल के वजूद पर ही सवाल उठाता है। और उधर अफ्रीकी देश अल्जीरिया में फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों मुसलमानों ने वहां की राजधानी अल्जीयर्स में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन पर सख्ती बरती, मगर इससे तो माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। प्रदर्शनकारी शांत होने की बजाय भड़क गए और वो पुलिस वालों से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जबकि कुछ को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद अल्जीरिया में सड़कों पर उतरे सैकड़ों मुस्लिमों ने काफी देर तक फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में इज़राइल के हमलों की निंदा की। और उधर खबर ये भी है कि इज़राइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर भीषण बमबारी कर दी है, जिसके बाद हिजबुल्ला के टॉप नेता ने भी अपने लड़ाकों को इज़राइल के खिलाफ तैयारी तेज करने का आदेश दे दिया। यानी अब फिलिस्तीन और इज़राइल की जंग और ज्यादा भीषण होने वाली है। खबर के मुताबिक इज़राइल की सेना ने हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाते हुए लेबनान में भी हमले शुरू कर दिए, जबकि पहले ही गाजा में इज़राइल की फौज कहर बरपा रही है। हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, ताकि हमास का वजूद ही मिटा दिया जाए। लेबनान इज़राइल के बॉर्डर पर आसमान में धुएं का ऐसा गुबार उठता दिखाई दिया, जिसको देखकर ऐसा लगा मानो वहां किसी ने आग लगा दी हो। बताया गया कि इज़राइल की सेना ने अब न सिर्फ हमास बल्कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला के खात्मे की भी कसम खाई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी नेतन्याहू को जमीन के रास्ते हमला न करने की सलाह दी। पुतिन ने आशंका जताई कि अगर नेतन्याहू की सेना ने जमीन के रास्ते गाजा में घुसने की कोशिश की तो वहां भयंकर तबाही मच जाएगी और इतनी लाशें बिछेंगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा घनी आबादी वाला इलाका है। अनुमान है कि गाजा के उस छोटे से इलाके में लाखों लोग रहते हैं। ऐसे में अगर इज़राइल की सेना वहां घुसी तो हमास के लड़ाकों के अलावा कई मासूम लोगों की जान भी जाएगी, और पुतिन का मानना है कि ऐसे लोगों की तादाद काफी ज्यादा होगी जो जंग की वजह से बेमौत मारे जाएंगे। точно никогда не учитывали коренных интересов палестинского народа.
यही वजह रही कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नेतन्याहू को धमकी भरे लहजे में यह साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर गाजा पर हमला न करें। लेकिन इसराइल के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया। खबर है कि गाजा में घुसकर हमास को जड़ से मिटाने की जिम्मेदारी इसराइल की फौज की एक खास टुकड़ी को सौंप दी गई, जो अपने खूंखार रवैये के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसराइल की इस भीषण टुकड़ी का नाम सैयरत मत्कल है, जिसके लड़ाके दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए ही जाने जाते हैं। इसराइल की मीडिया के मुताबिक उसकी सेना की इस टुकड़ी के सैनिक सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं करते, बल्कि उन्हें खुफिया एजेंट बनने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मतलब इसराइल के इन सैनिकों को शारीरिक ट्रेनिंग के साथ ही मानसिक तौर पर भी बेहद मजबूत बनाया जाता है। इसके अलावा ये दुश्मन के इलाके से अपने लोगों को निकालने में भी माहिर माने जाते हैं। और माना जा रहा है कि इसी वजह से नेतन्याहू ने गाजा के ऑपरेशन की अगुवाई करने की जिम्मेदारी इस टुकड़ी को दी, जो पहले गाजा में घुसकर इसराइल की सेना के लिए रास्ता खोलने का काम करेगी और फिर वहां फंसे बंदकों को छुड़ाकर वापस इसराइल लाने के बाद ही रुकेगी। मुसीबत तब और बढ़ गई जब ईरान ने भी उसे खुली धमकी दे दी। इसराइल की मीडिया के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी कि अगर गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रुकी तो लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला भी इसराइल के खिलाफ जंग का बिगुल बजा देगा, और अगर ऐसा हुआ तो इसराइल को एक नहीं बल्कि दो मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। इस जंग में हिजबुल्ला हमास के साथ खड़ा है और दावा किया जा रहा है कि वो भी रह कर लेबनान से इसराइल पर रॉकेट दाग रहा है। हालांकि ईरान का दावा है कि हिजबुल्ला खुलकर जंग में नहीं उतरा, लेकिन इसराइल की मीडिया के मुताबिक ईरान ने ये चेतावनी दी कि अगर गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रुकती तो हिजबुल्ला भी इसराइल के खिलाफ जंग शुरू कर देगा। जबकि इसराइल हमास का नामोनिशान मिटाने के लिए गाजा पट्टी पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है, और एक रोज पहले ही उसने वहां आसमान से पर्चे गिराकर लोगों को बंकरों में जाने की चेतावनी दी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसराइल हमास का सर्वनाश करने के लिए गाजा पट्टी पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में। माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान उसे हिजबुल्ला का डर दिखाकर गाजा पट्टी पर बमबारी से रोकने की कोशिश कर रहा है। और उधर हमास के हमले के बाद इसराइल गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। दूसरी ओर इसराइल ने अपने नागरिकों से जॉर्डन मिस्र की गैर आवश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दे दी है। ये सबसे बड़ी खबर है। इसराइल की अपने नागरिकों से ये अपील है, जॉर्डन मिस्र की यात्रा अगर जरूरी ना हो तो ना की जाए। गैर आवश्यक यात्रा करने से बचने को यहाँ पर कह दिया गया है। और इसराइल की सेना गाजा पट्टी में घुसकर ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। इससे पहले इसराइल ने गाजा के लोगों को 24 घंटे में गाजा खाली करने का आदेश जारी कर दिया था, और जिसके बाद गाजा के अल अवदा में एक हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन 24 घंटे का अल्टीमेटम जो अब समाप्त होने पर है, और इसीलिए माना यह जा रहा है कि अब जो इसराइली सेना है वो गाजा में घुस चुकी है, ऑपरेशन शुरू कर चुकी है।